गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 24। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जहां पे हम लोग इंडिया के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर है, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, जनसत्ता हो, PIB हो, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है वो सारे के सारे हम लोग कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे, सो दैट आपके साथ में आपके फैमिली फ्रेंड्स जो जो आपके लोग हैं जो कि एक अच्छा करंट अफेयर सेशन चाहते हैं 30 से 40 मिनट के अंदर, कुछ ऐसे न्यूज़ चाहते हैं जिससे उनकी जॉब के अंदर, अगर उनके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, उनके करियर के अंदर जो उनको ग्रोथ देखने को मिले, तो आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। अगर 4-5 महीने भी अगर आप इसको रेगुलर देखते हैं, 4-5 महीने छोड़िए, अगर आप इसको 2 महीने भी रेगुलर देखते हैं ना, तो यू विल सी योरसेल्फ अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। आप अपने आप को जो है अलग ही महसूस करने लगोगे, क्योंकि आपके पास में नॉलेज बहुत आ जाएगी। यू विल गेट टू रियलाइज कि पहले आपके पास में कितने मिथ हैं जो कि आप लेके चल रहे थे, और रियलिटी जो है वो कितनी अलग है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग विक्रम, मनीषा, कोमल, मनीष, निरंजन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज के सेशन के अंदर क्या क्या है। आज अगर मैं बात करूं तो मैंने ये अपडेट नहीं किया शायद, ओके। तो आज आपको नियर बाय द हिंदू के अंदर 4 से 5 आर्टिकल्स मिलेंगे, इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में मिला के 2 आर्टिकल्स के आसपास है, जनसत्ता में 1 है, और PIB PRS के अंदर 4 से 5 आर्टिकल्स है जो कि आपको मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप क्लास 24 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको सारे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, सारी क्लासेस की PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ऑलराइट, जैसे कि CHSL है, CGL है, जितने भी अगर आपके है ना, जितने भी आपके एग्जाम है उनमें से किसी भी एग्जाम की आप अच्छी प्रिपरेशन है जो कि कर सकते हो। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। तो आज का कोट ऑफ द डे देखते हैं, द ट्रू मेजर ऑफ योर सक्सेस इज हाउ मेनी टाइम्स यू कैन बाउंस बैक फ्रॉम द फेलियर। देखो, फेलियर तो बहुत बार आएंगे ना, ऐसा तो है नहीं ना कि मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होगा, या फिर शाहरुख खान की ज़िंदगी में नहीं आया होगा, या विराट कोहली की ज़िंदगी में नहीं आया होगा, या फिर आपके कोई रिलेटिव है, आपका कोई दोस्त है, उसकी ज़िंदगी में नहीं आया होगा। सबकी सेम सी कहानी होती है कि आपको जो है बहुत बार तो फेलियर देखने के मिलते हैं, बहुत बार ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन मैटर यही करता है कि कितनी बार आप बाउंस बैक होते हो, आप क्या हार मानते हो कि वापस से जो है वो ट्राई करते हो। देखो, ज़िंदगी के अंदर 2 ही चीज़ें चाहिए, एक तो 2 वक्त का खाना और एक सक्सेस, समझ गए। 2 वक्त के खाने का अगर आपने जुगाड़ कर रखा है तो फिर अपना जो भी एम है ना उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो, आज नहीं तो कल चल जाएगा, वरना ज़िंदगी तो चल ही रही है ना यार, 2 वक्त के खाने से चला लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तो आपको जो चाहिए वो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो सूनर और लेटर आप अचीव भी कर लोगे अगर आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के मेहनत करने की कोशिश करोगे तो। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं, द हिंदू के फ्रंट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करी गई है PM मोदी के बारे में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप सभी को मालूम होगा, ठीक है, कि एक बाल सिखिज्म के अंदर एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो कि 26 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। सेलिब्रेट तो क्या किया जाता है, जो शहीद दिवस के तौर पे ही जो है माना जाता है, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो बेटे थे ना 2, उनकी शहादत को लेकर दोस्तों ये दिवस है जो कि मनाया जाता है, तो उसको नाम दिया गया था, ठीक है, वीर बाल दिवस है जो कि इसको नाम दिया गया था। ओके, तो साहबजादे 2 बेटे थे हमारे गोविंद सिंह जी के, एक तो बाबा जोरावर थे और एक बाबा फतेह सिंह थे। तो जो बाबा जोरावर और फतेह सिंह जी दोनों ही दोस्तों शहीद हुए थे मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए, तो उन दोनों की शहादत को रिकॉग्नाइज करने के लिए 26 दिसंबर को ये वीर बाल दिवस है जो कि मनाया जाता है, समझ गए मेरी बात, तो उसी को लेकर है जो कि यहाँ पे ये सब बताया गया है। ओके, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बात करें, कुछ कट रहा है ना थोड़ा सा न्यूज़पेपर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा मैं कैमरे को जूम आउट करता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो सबसे पहली न्यूज ये वाली है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। दूसरी वाली जो न्यूज है ये वाली इंपॉर्टेंट है, जहां पे गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करी गई है। हमारे यहां पे अभी बात करी गई है क्रिएट इन इंडिया, जैसे कि मेक इन इंडिया का मतलब होता है हमारे यहां पे बनाओ,
मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बारे में बात होती है, लेकिन जब क्रिएट इन इंडिया की बात होती है तब होता है कि आप क्या इंडिया में क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि अगर आप कोई एनिमेशन वाले कुछ काम कर रहे हो, अगर आप कोई विजुअल इफेक्ट्स का कुछ काम कर रहे हो, है ना, अगर आप कुछ गेमिंग का काम कर रहे हो तो इंडिया में क्रिएट करो। आपको मालूम है, आपने देखा होगा कि एनिमेशन हो गया या फिर ये गेमिंग हो गई, ये कोरियन, जापानीज इंडस्ट्री, चाइनीज कितने ज़्यादा आगे निकल गए और बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत लोगों को जॉब्स मिलती है। ओके, तो उसी चीज़ को जो है इंडिया के अंदर लाने को लेकर, बिजनेस को प्रमोट करने को लेकर इसको स्टार्ट किया गया। इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर राहुल गांधी जी ने वाजपेयी मेमोरियल, वाजपेयी जी को जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा सेंटर ने दोस्तों कोविड की मॉक ड्रिल्स है जो कि करवाने के लिए बोला है। यहाँ पे बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है, आप सभी को मालूम है, महाराष्ट्र कर्नाटक का कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था मैंने आपको बताया था, है ना, बेलागावी वाला जो एरिया है वहां पे डिस्प्यूट है, तो दोनों राज्यों को लेकर वही बात करी गई। यहाँ पे यूएस के अंदर कल हमने बॉम्ब साइक्लोन के बारे में बात करी थी, याद है कि बहुत ज्यादा साइक्लोन के साथ में जो है बहुत ज्यादा स्नोफॉल भी देखने को मिली। तो ये दिख रही कार है ये वाली एक्चुअली के अंदर जो बर्फ से ढक गई है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, यूपी को लेकर है और यहाँ पे करप्शन सीपीआईएम पार्टी को लेकर है। तो ये आपका फ्रंट पेज है। सीबीआई ने दोस्तों वीडियो कॉल के जो चीफ थे वेणुगोपाल धूत, मैंने पढ़ाया था ना, वेणुगोपाल धूत ही वो पर्सन थे जिन्होंने चंदा कोचर के हस्बैंड के साथ में, दीपक कोचर के साथ में मिलकर एक नई कंपनी बनाई थी, तो इनको भी अरेस्ट है जो कि सीबीआई के द्वारा कर लिया गया है। ऑलराइट, तो ये आपका फ्रंट पेज है। हमारे लिए ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक टास्क फोर्स है जो कि प्रपोज करी गई है ताकि देश के अंदर एवीजीसी, है ना, एवीजीसी एक्सटेंडेड रियलिटी मिशन, इसका नाम है एवीजीसी एक्सटेंडेड रियलिटी मिशन, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोला गया है। एक बजट भी क्रिएट करने के लिए बोला गया है ताकि इसको प्रमोट कर सके, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे, आप पिछले 5 सालों में आपने दुनिया बदलती हुई देखी होगी यार। 5 साल पहले रेयरली कोई गेमर्स आपको देखने को मिलते होंगे, है ना, आज के टाइम पे आपको हर घर के अंदर लोग गेमर्स मिल जाते हैं खेलते हुए। ऑलराइट, तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप टाइम पास करने के लिए कर रहे हो तो मैं तो खैर ज्यादा प्रमोट नहीं करता इस चीज को। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अदर्स टू डू। अगर ठीक है टाइम पास के लिए आधा एक घंटा, इट्स ओके, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत लोग बहुत टाइम है जो कि अपना देते हैं। एंड ऑफ द डे चलो हम लोग यहाँ पे बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट इन इंडिया नाम का कैंपेन है जो कि लॉन्च किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर हम लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट क्रिएशन है जो कि करें। आज के टाइम पे आपने देखा होगा, हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े सीरियल्स होते थे या कार्टून होते थे ना, वो सारे बाहर के बने हुए हैं। आप देख लो टॉम एंड जेरी देख लो, या फिर कोई डोनाल्ड डक देख लो, मिक्की माउस हो गया, छोटा भीम, बड़ा भीम, जो भी आता है, है ना, मतलब ऐसा होता है बहुत सारे। तो कि जापानीज और ये जो है ना कोरियन, ये लोग इंडियन नेम को यूज करके इंडिया के ऑडियंस के अंदर बहुत पैसा कमाते हैं, है ना, मतलब, लेकिन वो हमें लगता है कि ये इंडियन है क्योंकि डबिंग तो इंडियन लोग करते हैं हिंदी के अंदर, लेकिन वो जो पूरा क्रिएशन होता है वो बाहर का होता है। तो हमें यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत है ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे फ्लॉरिश करे, पैसा हमारे कंट्री में रहे, हमारे देश को टैक्सेस भी मिले, नौकरियां भी मिले, तो वो ज्यादा बेटर होगा एक स्टेज, समझ गए। तो कंटेंट क्रिएशन हम लोग करें, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाए एनिमेशन के लिए, विजुअल इफेक्ट्स के लिए, गेमिंग के लिए, कॉमिक्स के लिए, ताकि एफडीआई को भी क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके और हमारे यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज है जो कि बन सके, समझ रहे हो मेरी बात। आज के टाइम पे आपको जान के हैरानी होगी कि जो विजुअल इफेक्ट्स के मैक्सिमम जो हॉलीवुड मूवीज के जो काम होते हैं ना वो इंडिया में होते हैं, लेकिन फिर भी तगड़ी पिक्चर जो पैसा कमाती है, बनती है, ऑस्कर जाती है पूरी दुनिया में, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होती है, वो हमारे नहीं होती है, वो हॉलीवुड की होती है, जबकि हॉलीवुड के काम हमारे इंडियंस लोग करते हैं, हमारे इंडिया में होता है वो काम। ओके, क्योंकि उनको एक तो क्या सस्ते मिल जाता है, एक तो क्योंकि यहाँ पे तो रुपए में पे करना पड़ता है, टैलेंट मिल जाता है, हमारे यहाँ पे लेबोरियस लोग हैं, मेहनत बहुत करते हैं, टाइम पे प्रोजेक्ट देना, है ना, तो ये सब चीजें, जबकि हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, लेकिन फिर भी हम लोग खुद का कॉन्टेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। तो उसी को प्रमोट करने के लिए ये मिशन है जो कि लॉन्च किया गया है, समझ गए, एक अलग से टास्क फोर्स भी बनाने के लिए बोली गई है। इसके ऊपर पहले भी बातचीत हो चुकी है, आपने देखा होगा कि देखो पहले क्या होता था कि अगर कोई मूवी की शूटिंग करनी है तो स्विट्जरलैंड जाया करते थे, यशराज देखे कुछ कुछ होता है या फिर डीडीएलजे जो भी मूवीज है, हॉलीवुड जाओ वहां पे शूट करो, फिर एक गाना वहां पे शूट करो, एक गाना वहां पे शूट करो, दुनिया भर के पैसे लगा करते थे, टाइम खराब होता था। अब क्या हो गया कि आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, दुनिया की जितनी भी बड़ी पिक्चर बनती है ना वो सारी एक रूम के अंदर बनती है, पीछे क्रोमा स्क्रीन होता है, ओके, उसके ऊपर आगे जो है वो सारे के सारे शूटिंग हो जाती है और वो एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स है जो कि डाल के बना लेते हैं। हालांकि पैसा इसमें भी ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें टाइम बचता है, ओके, इसके अंदर एनर्जी बचती है, आपको इधर उधर 50 कंट्री में ट्रैवल करके लोकेशन ढूंढ के वो सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेजर आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज में, एवेंजर्स में, जितनी भी मूवीज आपने देखी होगी ना, अलग ही दुनिया दिखाते हैं वो पीछे, वो सब इफेक्ट्स होते हैं, वो सब
ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लो, ये देखिए है ना, ये पीछे से कुछ ऐसा होगा लेकिन पीछे स्क्रीन है ये सिर्फ। अब ये जो है इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स का काम है, ये देखो ये एवेंजर्स है, ये जिस तरीके से बिठा रखा है। ओके, यहाँ पे जब आप देखते हो तो कुछ ऐसा नजर आता है आपको, ये पीछे जंगल देखोगे आप होगा कुछ ऐसा, है ना। बाहुबली के अंदर भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स यूज करे गए थे। हमारे यहाँ पे दोस्तों काफी बड़ी बड़ी वीएफएक्स कंपनीज है जो कि काम करती है, हॉलीवुड से टेंडर लेती है 10-10, 50-50, 100-100 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर प्राइम फोकस बहुत बड़ी कंपनी है, रेड चिली शाहरुख खान की है, रिलायंस भी है, टाटा भी है, मूविन पिक्चर्स भी है। ओके, और करियर भी काफी अच्छा है, मतलब काफी अच्छे पैसे भी मिलते हैं इसके अंदर काम करने के। ऑलराइट, तो ये वीएफएक्स कंपनीज है, ठीक है। वीएफएक्स का मतलब होता है विजुअल इफेक्ट्स जो आप डालते हो मूवीज के अंदर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारे यहाँ पे दोस्तों पहले तो 25 करोड़ के आसपास गेमर्स हुआ करते थे 18-19 में। आज हमारे यहाँ पर भी मतलब गेमर्स जो है ना, छोटे मोटे सारे मिला के, है ना, वो मिला के काफी ज्यादा हो चुके हैं। मतलब गेमिंग नंबर ऑफ गेम्स की बात कर रहे हैं जो लोग डेली, अलग अलग लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे, जो खेल रहे हैं। अब हो सकता है एक आदमी 10 बार भी खेल रहा हो तो 4 करोड़ हो गए, लेकिन कुल मिला के जो यूसेज है ना वो बहुत बढ़ गया है। ओके, अगर आप देखोगे कि कितनी परसेंट से ग्रोथ रेट हो रही है, तो नियर बाय 30% से दोस्तों ग्रोथ रेट है जो कि हो रही है, और आने वाले 4 सालों के अंदर जो रेवेन्यू है वो 170 बिलियन है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक पहुंच जाएगा। ऑलराइट, तो एवीजीसी सेक्टर के बारे में बात करें तो पोटेंशियल बहुत है जॉब क्रिएशन के अंदर, मतलब 70,000 से जो है वो 1.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो कि अभी आज के टाइम पे जो है वो अवेलेबल है इसके अंदर। सिक्योर इंडिया ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि $1.5 बिलियन की सेल्स है जो कि जनरेट कर रहे हैं, और 2025 तक $5 बिलियन है जो कि ये इंडस्ट्री हो जाएगी, है ना। और अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं है। एक तो ग्रो तो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे एक तो ग्राफिक डिजाइनर्स की बहुत कमी है, है ना, मैनेजर्स की बहुत कमी है, कोई फॉर्मल गेमिंग कोर्सेज नहीं होते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी कमी है, तो वो एक प्रॉब्लम है जिससे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरा रेगुलेटरी इश्यूज भी है, समझ गए कि हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि भाई गेम ऑफ स्किल है, कोई बोलता है गेम ऑफ चांस है, तो इस तरीके से भी कई सारे इश्यूज है जिसकी वजह से हम लोग हमारे लॉस के अंदर भी थोड़े से अभी तक प्रॉपर नहीं हो पाए। तो लेकिन सेक्टर बहुत ही बड़ा है, तो उसी को लेकर ये क्रिएट इन इंडिया कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है। होपफुली आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं पेज नंबर पांच की बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रसाद स्कीम के बारे में करेंगे। तो देखिए हुआ क्या है कि आपको सभी को मालूम होगा कि जो भी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ना, उनको वहां पे बेटर इंफ्रा अवेलेबल करवाने के लिए प्रसाद स्कीम पहले लॉन्च करी गई थी। उसी के तहत दोस्तों अभी श्रीशैलम के अंदर भी कुछ नए फैसिलिटीज है जो कि हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च करी गई है, समझ गए मेरी बात। तेलंगाना के जो गवर्नर है तमिलिसाई, वो भी यहाँ पे साथ में अवेलेबल थी। और जैसे कि मैं बात करूं कृष्णावेली रोड जो है वहां पे बस स्टेशन तक प्रॉपर रोड होना, एम्फी थिएटर, साउंड और लाइट शो स्टार्ट किया गया है, डिजिटल इंटरवेंशन कर दिया गया है, पार्किंग एरियाज अवेलेबल करवा दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स बनवाया है, सोविनियर शॉप्स बनाई है, फूड कोर्ट हो गए, ATMs हो गए, तो ये सारी फैसिलिटी 50 करोड़ रुपए के अंदर इस एरिया के अंदर स्टार्ट करी गई है, समझ गए। अब ये जो प्रसाद स्कीम है, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, प्रसाद है, 2015 में लॉन्च करी गई थी, फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। पिलग्रिमेज रिजुविनेशन यानी कि जो हमारी धार्मिक जगह है उनको हम लोग रिजुविनेट करें, स्पिरिचुअल जगह के ऊपर फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएं। देखो टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जो भी टूरिस्ट प्लेस है ना वहां पे फैसिलिटीज दे दो बहुत बढ़िया, समझ गए मेरी बात। फैसिलिटीज मिल गई है तो जनता आएगी बढ़िया आराम से, लोग खुश होंगे, लेकिन फैसिलिटीज नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, है ना, लोग धक्के खाते खाते जाते हैं ना, खाने की प्रॉब्लम वहां पे, रहने की प्रॉब्लम वहां पे, है ना, वॉशरूम्स फैसिलिटी नहीं है, तो उससे लोगों को बहुत डिसहार्टन होते हैं लोग। ऑलराइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर रेन शेल्टर्स, एयर थिएटर्स, वॉच टावर, रेस्ट रूम्स, टॉयलेट फैसिलिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव थे। बहुत जगह पे बहुत सारे सिटीज के अंदर इस योजना को लॉन्च किया गया। उसी प्रकार से एक और लॉन्च करी गई थी, है ना, हृदय नाम की योजना, जिसके अंदर हेरिटेज वाली प्लेस को हम लोग वापस से क्या कर रहे थे, उनको रिजुविनेट कर रहे थे। एक तो प्रसाद हो गई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, एम क्या था कि टूरिज्म प्लेसेस को डेवलप करना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी 100%। एक HRID या हृदय भी बोल सकते हो, जिसमें हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट और ऑगमेंटेशन योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा करी गई थी। इसमें भी कुछ सिटीज को हेरिटेज स्टेटस के तौर पर चूज किया गया, 100% सेंट्रली फंडेड है, और कुछ सिटीज को इसके अंदर सेलेक्ट किया गया था। तो ये दोनों योजनाएं अलग अलग है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना, वो अर्बन की है और वो आपके टूरिज्म की है। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट है जो कि अभी चल ही रहा है, आप सभी को मालूम ही है, और कहीं पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड, कहीं पे
साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बांग्लादेश, बहुत जगह पे, बहुत तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे शेन वॉर्न को लेकर, समझ गए? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ द क्रिकेट, मतलब ये बंदा चाहे कितनी ही कॉन्ट्रोवर्सी में रहे, लेजेंड हमेशा लेजेंड रहता है। बोलते ना कि आपका जो काम है ना वो दुनिया में बोलता है। अगर आपके काम के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, अगर आपको कोई बुला बोल रहा है, अगर आपसे कुछ गलतियां भी हो गई जिंदगी में, लोग सब भूल जाते हैं आपके काम के पीछे, दुनिया सब भूल जाती है। आपका जो टैलेंट होता है ना, जो आपने काम किया होता है, वही रिकग्नाइज रहता है। आप खुद देखिए आपकी जिंदगी के अंदर, आप नेगेटिव बातों को ज्यादा याद रख पाते हो या पॉजिटिव बातों को आपके बचपन की याद रख पाते हो। तो हमेशा ये एक नेचर का पार्ट होता है कि हम लोग अच्छी चीजों को ही याद रख पाते हैं, इसीलिए जो अच्छे लोग आपको मिलते हैं आप उनको याद रख पाते हो। इसलिए बी ए अच्छा पर्सन ऑल राइट, ताकि लोग आपको याद रखें, आपसे मिलकर खुश रहे, और 10 साल बाद भी आपसे मिलेंगे, 15 साल बाद भी आपसे मिलेंगे तो आपको याद रखेंगे, है ना, क्योंकि आपने कुछ अच्छा समझाया, बताया, कुछ अच्छा उनको राय दी अपनी जिंदगी में। और वहीं पर अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि क्रीप करते रहते हो, नेगेटिव वाइब्स देते हो, रोते धोते रहते हो, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, ये वो, तो यकीन मानिए कोई याद नहीं रखना चाहेगा ही नहीं, ऐसी मेमोरीज को कोई याद नहीं रखना चाहता है। ऑलराइट, तो शेन वॉर्न का आप देखोगे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी जिंदगी में रही है, बहुत सारे वीडियोज वायरल हुए हैं, ड्रिंक के, सेक्स स्कैंडल्स के, एलिगेशंस के, बहुत हुए हैं। लेकिन इवन दो जब भी हम शेन वॉर्न को देखते हैं, हमें ग्रेटेस्ट स्पिनर नजर आता है। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, जो उनकी टेस्ट का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है, जैसे कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता है वो तो एलन बॉर्डर के नाम पे होता है, आपको मालूम होगा, लेकिन जो टेस्ट प्लेयर का जो बेस्ट अवार्ड होता है वो शेन वॉर्न के नाम पर है, जो कि रख दिया गया है, समझ गया मेरी बात? तो बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, हालांकि ये अवार्ड बहुत सालों से मिल रहा था लेकिन इसका कुछ नाम नहीं था, तो शेन वॉर्न के नाम पर इसको रख दिया गया है, ठीक है गाइस। इसके अलावा एमसीजी के अंदर एक वेन्यू भी इनके नाम पे, स्टैंड भी बनाया गया है, एनुअली अवार्ड है जो कि दिया जाएगा एलन बॉर्डर के नाम पे दोस्तों, मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्लेयर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट का अवार्ड है जो कि ऑस्ट्रेलिया देता है, और ये सेकंड प्लेयर है एलन बॉर्डर के बाद जिनके नाम से इस तरीके का इतना बड़ा अवार्ड है। इनफैक्ट जो ब्रेडमैन अवार्ड है ना वो भी यंगेस्ट प्लेयर के लिए है, तो टेस्ट प्लेयर तो और भी बड़ी बात है, मतलब ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलन बॉर्डर मेडल बहुत ही फेमस है यहाँ पे, और इसको मैक्स अभी तो 2022 में मिशेल स्टार्क को मिला है, और सबसे ज्यादा रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क को मिला है, और ये आपका शेन वॉर्न टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अवार्ड तो 2000 से मिल रहा है, ग्लेन मैकग्रा को मिला था सबसे पहले, और 2022 में किसको मिला है, ट्रेविस हेड को मिला है। ऑलराइट, क्या नाम है 2022 का, ट्रेविस हेड। तो अवार्ड तो पहले से मिल रहा था लेकिन बस अभी इस नाम है जो कि चेंज किया गया है, ठीक है गाइस। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि रंजना कि सर हमारे यहाँ पे कुछ लोगों का कॉल आ रख के बोला कि आपके 25 गज का प्लॉट निकला है और 200-200 रुपए लिए गए और अब 1100-1100 रुपए मांग रहे हैं। अरे ये फ्रॉड ही है, ये कहाँ से निकलेगा आपका प्लॉट यार, कितने मासूम लोग हो यार, मतलब रंजना क्या कर रहे हो, 200 रुपए दे दिए अब 1100 रुपए दे रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब ऐसा मतलब बिन बात ही प्लॉट निकल गया ऐसा क्या, अरे देर इज नो फ्री लंचेस, कुछ भी नहीं, धूल भी नहीं मिलती है फ्री के अंदर आज के जमाने में, समझ गए मेरी बात? आपको यहाँ पे कोई बोल रहा है कि आपके प्लॉट निकल गया और आपको पैसे मिलेंगे क्या कर रहे हो यार चलो ठीक है आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखो बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करो, जॉब वॉब लगो अच्छी, बढ़िया पैसे से कमाओ, आ जाएगा प्लॉट नोट सब आ जाएगा, प्लॉट गाड़ी सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, भरोसा रखो अपने कैलिवर पे। चलो इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे फ्रंट पेज पे अगर बात करें तो कुछ खास यहाँ पे नहीं है फ्रंट पेज पे, एक न्यूज जो है वो ये वाली न्यूज है जो कि संतोष कुमार जी को लेकर है, जो कि अभी एनएचएआई के चेयरपर्सन है जो कि बने हैं, ठीक है, सीनियर ब्यूरोक्रेट है संतोष कुमार यादव जी, तो उनको अभी रिसेंटली चेयरपर्सन एनएचएआई का बनाया गया है। 1995 के बैच के आईएएस ऑफिसर है यूपी कैडर के, और पहले एडिशनल सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के, अब इनको एनएचएआई का चेयरपर्सन है जो कि बनाया गया है। एनएचएआई के बारे में बात करें तो आपके जो भी हाईवेज होते हैं ना उनका मेंटेनेंस करना, कंस्ट्रक्शन करना, वो इन्हीं का काम होता है। 1995 के अंदर ये बॉडी बनी थी, गवर्नमेंट एजेंसी है और हाईवे, नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे के अंडर में आती है ना, जो रोड डेवलपमेंट है गडकरी जी है उन्हीं के अंडर में डिपार्टमेंट आता है, और ठीक है बाकी तो सब आपको बताइए, मैंने बताई दिया। 60,000 करोड़ रुपए का इनका बजट है जो कि साल में होता है। आपको मालूम होगा अभी कुछ साल पहले जो हमारे नेशनल हाईवे थे उनका नाम बदल दिया गया था। अभी क्या होता है कि नॉर्थ से अगर आप साउथ की तरफ जाओगे तो आपको 1-3 ऑड में मिलेंगे सारे के सारे, ऑड के अंदर आपको नाम मिलेंगे, है ना। उसी प्रकार से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो भी आपको जो हाईवेज का नाम है ना वो
इवन में मिलेंगे, 2, 4, 6, 8, मतलब इस तरीके से इजी कर दिए गए हैं थोड़े से, समझ गए मेरी बात। जैसे कि पहले NH ओल्ड जो हमारा सबसे बड़ा हाईवे था, पहले NH7 था, अभी उसका नाम बदल के NH44 कर दिया गया है। मालूम होगा आपको ये सबसे बड़ा हाईवे है हमारा देश का, 3745 किलोमीटर का, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है, NH44 हम इसको कहते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया नॉर्थ से साउथ, ये तो हो गया नॉर्थ से साउथ। जो सिंगल वर्ड वाले है ना वो तो हमेशा ऑड में चलेंगे, ये वाले नॉर्थ से साउथ वाले, सिंगल डिजिट वाले, ये डबल डिजिट है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट तो ये वाला हो गया नॉर्थ से साउथ वाला, तो NH44, और ईस्ट से वेस्ट वाले की अगर बात करूं तो NH27 है ये, पहले भी 27 था, गुजरात के पोरबंदर से सिलचर आसाम तक जाता है, ये दूसरे नंबर का है ना। चलिए तीसरी बात करें, NH48 है, 2800 किलोमीटर का, दिल्ली टू चेन्नई। वैसे NH52 है, पंजाब से कर्नाटका वाले एरिया में जाता है पूरा का पूरा सेंटर में से, एंड सो ऑन। तो आपको सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऊपर के 4-5 याद कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतने ही बहुत है ना, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है हमारा, हमारे यहाँ पे 200 नेशनल हाईवेज, 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा के लेंथ के हाईवेज आपको देखने को मिलते हैं, और 1,50,000 के आसपास स्टेट हाईवेज भी होते हैं। एक्चुअली हाईवेज में मल्टीपल प्रकार के होते हैं हाईवेज भी, है ना, एक तो होते हैं एक्सप्रेस वेज जो कि अभी बहुत ही कम है, उसके बाद आते हैं फिर हाईवेज, फिर आते हैं आपके स्टेट हाईवेज, फिर आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट हाईवे, फिर होती है विलेज की रोड्स, है ना, गाँव वाली जो रोड्स होती है, इस तरीके से कैटेगराइज होती है। ऑलराइट, हमारे यहाँ पे पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारे टोटल रोड नेटवर्क का है ना सिर्फ 2% है टोटल रोड नेटवर्क का हाईवेज, लेकिन अगर आप ट्रैफिक देखोगे तो 40% ट्रैफिक है जो कि हाईवेज केटर करता है, लेंथ में सिर्फ 2% है लेकिन 40% ट्रैफिक लेके जाता है, तो इसीलिए हाईवे बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि हाईवे 44 है, NH44 है, तो अगर 144 होगा तो वो क्या होगा, इसका ब्रांच ही होगा वो, एक्चुअली में जो भी प्रीफिक्स में वर्ड यूज होता है वो उसका ब्रांच होता है। मान लीजिए कोई 200 है, मान लीजिए कोई 22 है, तो 22 के आगे जो भी होगा, मान लीजिए 122 हो गया, तो वो 22 का ही एक सब्सिडरी होगा, समझ गए मेरी बात। और उसी प्रकार से 144A, B ये सब भी यूज होता है। इसके अलावा हाईवेज पे आपको येलो कलर देखने को मिलेगा, येलो और व्हाइट, वैसे ही व्हाइट और ग्रीन आपके जो पब्लिक हाईवेज है वहां पे देखने को मिलेगा, ब्लैक और व्हाइट आपको सिटी के अंदर जो हाईवेज होते हैं उनका कलर देखने को मिलेगा। तो मेजरली जब आप हाईवेज पे जाओगे तो आपको येलो कलर्स की लाइन देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। शॉर्टेस्ट जो हमारा नेशनल हाईवे आज के टाइम पे है वो NH118 और NH4548 है। NH118 जो है वो तो आपको झारखंड में मिलेगा, 5 किलोमीटर का है, और वैसे ही 548 जो है ना ये महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन ये भी 5 किलोमीटर से थोड़ा छोटा ही है, समझ गए मेरी बात। और हाईएस्ट मोटरवे के बारे में बात करें तो लेह मनाली वाला जो हाईवे है, ओके, वो आपको सेकंड सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, और सबसे बड़ी जो मोटरेबल रोड सबसे हाईएस्ट मानी जाती है वो आपकी कौन सी वाली है, जो पैंगोंग जाती है ना वो वाली है, पहले तो वो थी कौन सा, क्या नाम है, जो कि जाता है नुब्रा वैली जाता है, नुब्रा वैली सियाचिन का जो स्टार्टिंग है ना, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड, के नाम भूल गया मैं उसका, तो नुब्रा वैली जो जाता है वो सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी पूरी दुनिया में। ऑलराइट, उसके बाद में अभी रिसेंटली बनाई गई है पैंगोंग वाले रास्ते के अंदर, तो वो अभी हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जो कि बन चुकी है। ठीक है, चलिए तो ये हो चुका है, आगे बात करते हैं जो कि चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडियन बैंक ने योजना लॉन्च करी है जिससे MSME को प्रमोट करने की बात करी गई है। MSME प्रेरणा इसका नाम है, बैंक के एग्जाम में पूछेंगे, SSC में भी पूछ लेते हैं कि ये प्रेरणा किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च करी गई है, राजस्थान में लॉन्च करी गई है राजस्थान के लिए। और इसमें क्या होगा कि जो भी MSME वाले जो एंटरप्रेन्योर से जो छोटी इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके स्किल डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है जो कि यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी। देखो MSME एक देश की बैकबोन होता है, समझिए मेरी बात। आज आपको लगता होगा कि स्टार्टअप्स में ज्यादा जॉब है, लेकिन ऐसा नहीं है, MSME देश की बैकबोन होती है किसी भी देश की। 60% ज्यादा जॉब्स आज भी MSME अवेलेबल करवाते हैं, है ना। तो MSME सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको प्रमोट करना, क्योंकि वहां पे बहुत बेनिफिट होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है कि वहां पे लेऑफ्स नहीं होते, उनका प्रॉफिटेबल मॉडल होता है हमेशा, ओके, मैन्युफैक्चरिंग होता है ज्यादातर वहां पे, तो उस चीज को बीट करना आसान नहीं होता। वहां पे आपको
कंजप्शन होता रहता है उन चीज़ों का, ओके तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, जॉब क्रिएशन ज़्यादा होती है, उनके लॉन्ग टर्म तक चलने का प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ओके तो एमएसएमई को हमेशा, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एमएसएमई चला रहे हैं उनको हमेशा क्या बोलते हैं, फैसिलिटेट करना है ना, और उनके बारे में बात करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, चलिए इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो 1907 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ है ना इंडियन बैंक का, और रामेश्वामी चटर्जी थे उनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई चेन्नई के अंदर। आज शांतिलाल जैन है जो कि इसके एमडी एंड सीईओ है। ऑलराइट, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि नेपाल की। कल परसों भी हमने बात करी थी कि नेपाल के खरदुंगला पास, बिल्कुल सही बोला एक बच्चे ने, खरदुंगला पास, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि नेपाल के अंदर पहले तो है ना डियोबा और डियोबा जी और साथ में प्रचंड जी मिलकर सरकार बना रहे थे, जो कि हमने पहले बात भी करी थी लास्ट टाइम पे दोस्तों। प्रचंड जी ने ऐसा प्रचंड खेल खेला और ऐसा प्रचंड टर्न लिया कि वो चले गए शर्मा ओली के साथ में, ओली जी के साथ में मिलकर दोस्तों प्रचंड जी ने क्या बनवा ली, अपनी सरकार है जो कि बना ली। तो तीसरी बार दोस्तों प्रधानमंत्री है जो कि बन गए हैं। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड ने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। विद्या देवी भंडारी जो कि वहां पर प्रेसिडेंट है उनके द्वारा उनको नियुक्त किया गया है। समझ गए मेरी बात, पहले तो गठबंधन हुआ था, ओली तो अलग थे और पहले प्रचंड और डियोबा साथ में थे, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर क्या हो गया, सब कुछ जज्बात बदल गए, सब बदल गया और प्रचंड जी ने बहुत ही प्रचंड टंड मार के ओली जी के पास में चले गए। अब आपने पहले भी चर्चा करी थी कि भाई प्रचंड जी और जो डियोबा जो थे वो तो थोड़े इंडिया प्रो थे और ये ओली साहब जो है वो चाइना प्रो है। अब ये देखने को इंटरेस्टिंग होगा कि अब इस गठबंधन में ओली की चलती है या फिर प्रचंड जी की चलती है, क्योंकि ओली जी लेके जाएंगे चाइना की तरफ, ये लेके जाएंगे इंडिया की तरफ। अब देखते हैं किसके गठबंधन में किसकी पावर है और इसी से आने वाले दिनों में पता लगने वाला है। ऑलराइट, नेपाल के बारे में बात करें, काठमांडू कैपिटल है और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर ही चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा किंगडम को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 2015 में बनाया है, नेपाल ब्रिटेन ट्रीटी हुई थी 1923 में, उससे उनको आज़ादी मिली थी। पॉपुलेशन की बात करें तो 3 करोड़ के आसपास है, पर कैपिटा इनकम हमारे से डबल है, सॉरी हमारे से आधी है, $1200 पर पर्सन पर ईयर है और नेपाली रुपी है जो कि करेंसी चलती है, ठीक है गाइस। नेपाली रुपी हमारा 100 रुपये और नेपाली रुपी 160 रुपये के आसपास है और इंडियन करेंसी चलती है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो सारी चला करती थी लेकिन अभी शायद मेरे ख्याल से डिमोनेटाइजेशन के बाद में इन्होंने रूल निकाला था कि 100 रुपये से ज़्यादा इंडियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप वहाँ पर बंद करते हो समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है। तो अभी आई डोंट नो व्हाट इज द अभी राइट नाउ क्या चल रहा है, बाकी पहले तो इन्होंने 100 रुपये मैक्सिमम करेंसी का रूल है जो कि निकाल दिया था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जो कि है जीएम मस्टर्ड को लेकर। आप सभी को मालूम होगा रिसेंटली जीएम मस्टर्ड धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 को टेस्ट है जो कि फील्ड में किया गया और काफी बढ़िया प्रोडक्टिव रिजल्ट है जो कि जीएम मस्टर्ड के देखने को मिले। समझ गए मेरी बात, और यह भी बोला गया कि भाई जीएम मस्टर्ड के प्रोडक्शन से जो आपके ओरिजिनल जो आपके मधुमक्खियों का जो पोलिनेशन होता है उसके ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। हालांकि पहले बोला जा रहा था कि इंपैक्ट पड़ेगा लेकिन इस टेस्ट में नहीं हुआ है। अब जीएम क्रॉप होते क्या है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, नाम से पता लग रहा है कि जीन के अंदर आर्टिफिशियल बाहर से क्या होता है, जीन नए जीन है जो कि इंसर्ट करे जाते हैं ताकि उसकी जो क्वालिटी है क्रॉप की वो इंप्रूव हो सके। कैसे होगी भाई, क्या होगा उसके अंदर, उसके अंदर वो पेट रेसिस्टेंट हो जाएगा, हर्बिसाइड टॉलरेंट हो जाएगा, वो किसी भी वॉर्म्स के से खराब नहीं होगा, है ना, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, न्यूट्रिशन भी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है और साथ में प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये कई सारे बेनिफिट उठाने के लिए जीएम क्रॉप को यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ पे सिर्फ जीएम कॉटन को ही अभी तक जो है वो अप्रूवल मिला हुआ है। जीएम कॉटन को हमने दुनिया में इतना मैक्सिमम एक्सपोर्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि 90% हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो जीएम कॉटन के माध्यम से ही हो पाया है, इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने उसके बाद में किसी को भी अप्रूवल नहीं दिया क्योंकि एक्सपर्ट फार्मर्स जो साइंटिफिक ग्रुप है वो सब जो है इसको लेकर हमेशा से ही पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट होता हुआ आया है, इसीलिए दुनिया के कई देशों ने इसको नहीं किया, कई देशों ने कर दिया, कई देश फायदा उठा रहे हैं, हम लोग समवेयर दोस्तों बीच में हैं, ठीक है। पहले ब्रिंजल की भी बात हो रही थी लेकिन ब्रिंजल भी अभी होल्ड के ऊपर है और अभी मस्टर्ड के ऊपर टेस्टिंग है जो कि हो गई, तो मुझे लगता है कि सरकार पहले मस्टर्ड को अलाउ है जो कि कर देगी। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट वेराइटी थी वो कौन सी थी, बीटी कॉटन था, है ना, बॉलगार्ड 1, इसको इम्यूनिटी जो है वो दी गई थी पिंक बॉलवॉर्म से और मॉन्सेंटो के द्वारा इसको डेवलप किया गया। फिर इसका 2006 के अंदर एक और वर्जन आया था बॉलगार्ड 2 और वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है जो कि हम लोग बन गए थे बीटी कॉटन की वजह से। 90% दोस्तों हमारे यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है
वो यही होता है। समझ गए मेरी बात? तो डीएमएच 11 को समझने की बात करें तो ये प्रिंसिपल में, ये क्या किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि जो मेल फर्टिलिटी है पेरेंट का उसको रिमूव करता है और लेकिन जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर उसको वापस से रिस्टोर करता है। तो यानी कि जो खराब होने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। किसके द्वारा डेवलप किया गया? साइंटिस्ट है एक्स डी यू के वाइस चांसलर दीपक पंटल, उनके द्वारा 2007 में किया गया, लेकिन अप्रूवल प्रोसेस के अंदर बेचारा ये काम अटक गया। 70 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया गया था। इससे क्या होगा एडवांटेज कि एक तो प्रोटेक्शन ज्यादा होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी फार्मर्स के लिए, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? और कंसर्न इसके अंदर यह है कि ऐसा बोला जाता है कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज होगा, है ना, और सीड मोनोपोलीज हो जाएगी, बायो सेफ्टी हजार्ड के ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। चलिए, तो ये कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी बताई गई है। ऑलराइट, और इंडिया का ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप है जो कि ये बन जाएगा गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद में। फूड क्रॉप, वो तो अपना कॉटन तो कमर्शियल है, ये फूड क्रॉप बन जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो यूएसए काफी सारी चीजें जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, कनाडा भी कर रहा है, ये ग्रीन वाले जितने भी कंट्रीज आपको नजर आ रहे ना, ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम लोग सिर्फ कॉटन कर रहे हैं, वो भी 10 मिलियन हेक्टेयर के एरिया में। अमेरिका 72 हेक्टेयर, कनाडा 11 हेक्टेयर, चाइना की बात करें तो चाइना ने भी काफी किया है इसके ऊपर। तो दुनिया में बहुत देश है जो कि इसके ऊपर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आज के टाइम पे ग्लोबल एरिया की बात करें तो ये देखिए 185 मिलियन हेक्टेयर था 2016 में, है ना, और 13 के अंदर 175 था। तो धीरे धीरे ये इंक्रीज होता जा रहा है। ऑलराइट, पूरी दुनिया में हम लोग 5th लार्जेस्ट एरिया है जहां पे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप है जो कि ग्रो किया जा रहा है। 2010 के अंदर दोस्तों इसके ऊपर काफी अपोजिशन हुआ था। आज जो एनडीए गवर्नमेंट है यही अपोज किया करती थी और अभी यही अप्रूवल कर रही है। तो ये तो पॉलिटिक्स में होता ही है, जो पहले अप्रूव, पहले जो जिस चीज को प्रोटेस्ट करता है फिर बाद में वही काम करता है। ओके, तो पहले एनडीए गवर्नमेंट ने काफी प्रोटेस्ट किया कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब जब ये खुद सत्ता में आए तो इन्होंने 8 ऐसे रूल्ड स्टेट्स हैं जहां पे ट्रायल्स की स्टार्ट कर दी है। तो ये हर जगह ऐसा होता है मतलब। चलिए आगे बात करते हैं, तो बीटी कॉटन के बारे में बात कर ही चुके हैं और फिर बीटी ब्रिंजल नेक्स्ट है और उसके बाद में मस्टर्ड है। चलिए आगे बात करते हैं, कैग ने दोस्तों क्या किया है, डीआरडीओ की को स्लैम किया है क्योंकि कई सारे डिलेज है जो कि प्रोजेक्ट के अंदर हो रहे हैं। तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो कैग जो कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है जो कि एक तरीके से गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स मानी जाती है, जनता का पैसा सरकार के पास में है, समझ गए, टैक्सेस का पैसा सारा पैसा। तो अब क्या है, सरकार का काम होता है उसको अच्छे तरीके से काम में लेना, कैग का काम होता है ये चेक करना कि जनता का पैसा सही तरीके से काम में लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। अब आप एक ये मानिए कि कोई काम जो है वो 100 रुपए में हो रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ब्यूरोक्रेसी की वजह से या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की इनएफिशिएंसी की वजह से या फिर कुछ भी कारण की वजह से वो 100 रुपए का प्रोजेक्ट 200 रुपए का हो गया, तो किसके नुकसान हुआ? उन लोगों के थोड़ी ना हुआ, जनता का पैसा खराब हुआ। तो यही काम है जो कि कैग का देखने का होता है कि जनता का पैसा खराब नहीं होना चाहिए। तो कैग ने इसीलिए दोस्तों डीआरडीओ को यहां पे फटकार लगाई है कि आपके मैक्सिमम प्रोजेक्ट है जो कि डिले पे डिले होते जा रहे हैं, जिससे कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है और पैसे खराब होते जा रहे हैं, समझ गए। तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि कई सारे ऐसे मिशन मोड वाले प्रोजेक्ट थे जो कि डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च करे गए थे, लेकिन सबका जो कॉस्ट है ना वो क्या हो चुका है, ओवररन हो चुका है, यानी कि बढ़ चुका है। मतलब हाई प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट है, तो मिशन मोड वाले तो वो प्रोजेक्ट है डीआरडीओ के जो कि बहुत जल्दी पूरे करने थे, लेकिन वहां पर भी अगर आप डिले देखोगे तो रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि डिले बहुत ही ज्यादा है। 178 प्रोजेक्ट में से 119 प्रोजेक्ट जो है ना ओरिजिनल टाइम शेड्यूल से दोस्तों आगे निकल चुके हैं। दो दो बार कई प्रोजेक्ट के अंदर डेडलाइन पार हो चुकी है। 49 केसेस में तो एडिशनल टाइम भी लिया गया था लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं हो पाया है। तो कई सारे प्रोजेक्ट को लेकर ऐसा बोला गया है। ठीक है गाइस, चलिए, 16 से 500% तक का टाइम ड्यूरेशन में डिले है जो कि देखने को मिला है ना। 86 प्रोजेक्ट जनवरी 2010 तक डिक्लेयर करे गए, 10 से 19 के बीच में सक्सेसफुली डिक्लेयर करे गए, और उसके अलावा बहुत सारे 20 प्रोजेक्ट ऐसे जिनको तो नॉट अचीव्ड वाली लिस्ट में डाल दिया गया। तो वही सब चीजें जो कि यहां पे बताई गई है। अब अगर मैं कैग के बारे में बात करूं तो कैग के बारे में आप सभी को मालूम ही होगा, आर्टिकल 148 के द्वारा संविधान से पावर है जो कि इसको मिलती है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। कैग की रिपोर्ट जाती है प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट देता है पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट देती है लीडर ऑफ अपोजिशन के पास में, जिसको बोलते हैं पीएसी, पब्लिक अकाउंट जो कमिटी होती है इसको रिपोर्ट जाती है, और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर सरकार की कोई कमी की रिपोर्ट मिलेगी
तो उसके लिए तो क्या हो जाएगा, उसके लिए तो जन्नत जहां हो जाएगा उसके लिए तो, क्योंकि फिर वो उसको एडवांटेज के तौर पे जो है वो बताएगा, मतलब सरकार की कमियां गिनाएगा, और होना भी यही चाहिए, मतलब सरकार की कमी गिनाने के लिए तो बनाया है उसको, तो यही काम होता है। तो फिर वो सब जैसे कि 2G 3G जितने भी हुए ना कॉमनवेल्थ घोटाले, वो सब कैग की रिपोर्ट के बाद ही ऐसे हुए है ना। बाद में तो एक रिपोर्ट में तो फिर बाद में ऐसे भी बोल दिया गया था कि वो उसके अंदर ही कोई कमी थी और सरकारें बदल गई उस चक्कर के अंदर। तो चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। वैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट में कैग की जो रिपोर्ट है वो गवर्नर के पास जाती है, गवर्नर देता है विधानसभा में, विधानसभा में भी एक पीएससी कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका हेड लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। समझ गए मेरी बात। चलिए तो कैग के जो हेड है वो कौन है, अपने अभी मुर्मू जी है, और 2.5 लाख रुपए सैलरी है, 6 ईयर या 65 ईयर ये इनका रिटायरमेंट का टेन्योर है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, हटाने का तरीका वही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे पहले तो ऑडिटर जनरल हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के भी ये समस्या थी कि यार ये पैसे का आता पता ही नहीं चलता, तो उन्होंने ऑडिटर लगाने चालू किए थे। सबसे पहले ड्रमंड थे, एडमंड ड्रमंड, तो ये 1860 से 1862 के बीच में है जो कि इनको बनाया गया। फिर जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में नरहरी राव जी को 1948 के अंदर बनाया गया, ये हमारे देश के पहले ऑडिटर जनरल या फिर कैग थे हमारे, समझ गए, नरहरी राव। फिर वापस से बने कैग, और अभी लेटेस्ट हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी 2020 में इनको बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कई सारे डीआरडीओ के प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं, जैसे कि मिसाइल प्रोग्राम है, रोबोट सिस्टम है ना, हाई टेरिस्ट्रियल सेंटर लद्दाख में बनाना, ये सब है। इसके अलावा पॉल्यूशन के ऊपर भी दोस्तों डाटा है जो कि अभी रिसेंटली जारी किया गया है। बताया गया कि 350 ऐसे 2018 में जगह थी जहां पे पॉल्यूशन था रिवर में, अभी वो 311 हो चुकी है, कुछ जगह जो है वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन से क्लीन हो चुकी है। ठीक है, तो ये डाटा के अंदर बताया गया, कई जगह बताई गई है जहां पे हाई पॉल्यूशन है। आपको मालूम ही है दुनिया के हम लोग टॉप 3 कंट्रीज में है जहां पे मैक्सिमम पॉल्यूटेड रिवर्स देखने को मिलती है। तो हमारे यहाँ पे इतिहास में जो हमारे यहाँ प्राचीन भारत था वहां पे दोस्तों हमारे नदियों को इतनी इज्जत इसलिए दी गई थी क्योंकि नदियों से ही हमारा जीवन चलता था, पानी से। सारे शहर इसलिए नदियों के पास में बसे। पॉपुलेशन आज यूपी बिहार की ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो पहले भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि लोग वहां पे रह रहे थे, समझ गए मेरी बात। तो नदियों के पास ही हमेशा घर जो है पहले के टाइम पे शहर बसा करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड होती थी, फर्टिलाइजेशन अच्छी होती थी वहां पे, है ना, प्रोटेक्शन अच्छा हुआ करता था, पानी मिल जाया करता था पीने के लिए, तो ये बेनिफिट थे। लेकिन हमने क्या किया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया। गंगा माँ जैसे हमारे घर में होता है ना, मदर से 2 एक्स्ट्रा काम करवा ही लेते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जो है हमने भी हमारे रिवर्स को क्या किया, गंगा माता बोल बोल के जो है सारे काम वहीं पे स्टार्ट कर दिए, तो क्या हो गया, नदियों की हालत खराब हो गई एक्चुअली के अंदर। तो दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में हम लोग जहाँ पे मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स है जो कि देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो अब रीजन क्या है पॉल्यूशन का, बहुत सारे हैं। सबसे मेजर कारण तो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो सारा का सारा कोई वहाँ पे क्या है वही नहीं है, चेक ही नहीं है। नदी जो इंडस्ट्रीज में जो भी कचरा निकलता है वो वेस्ट के थ्रू नदियों में चले जाता है। इसके अलावा जनता भी कम नहीं, हमारी जो भी खाया वो फेंक दिया, ठीक है, तो वो भी एक मेजर कारण है। तो क्या होता है कि देखो, दो चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, BOD और COD, ये पेपर में अक्सर आता रहता है। ठीक है गाइस, ये देखिए, ये गंगा का BOD यहाँ पे 26 है, गंगा ब्रह्मपुत्र का एवरेज BOD 26, ठीक है। उसी प्रकार से सुवर्णरेखा का देखिए 99, गोदावरी का 45 और ये इसका 21, कावेरी का, साबरमती का 63 है। महाराष्ट्र हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर स्क्रैचेस इन द कंट्री, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर ही ऐसे एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा ऐसे स्ट्रैचेस हैं जहां पे पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, समझ गए। तो ये वाटर कमीशन की 2018 की रिपोर्ट है जिसमें 275 रिवर्स को पॉल्यूटेड बताया गया। WHO ने बोला है कि इफ BOD काउंट ग्रेटर देन 3 mg पर लीटर, अगर BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी भी नदी की, BOD होता क्या है पहले ये समझो यार, ठीक है, क्या होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर कोई भी आपने मान लीजिए कोई ऐसा चीज फेंकी पानी के अंदर, है ना, जो कि बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो सकती है, आपने मान लो केला फेंका, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो नदियों में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को खुद ही खत्म कर देता है, लेकिन खत्म करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, समझ गए। अगर वो ऑक्सीजन लेंगे तो नदी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होगा, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन तो वो ले रहे हैं उस कचरे को, उतना ही क्लीन करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए।
तो बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कितनी ऑक्सीजन डिमांड है किसी भी एक ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए। अब अगर ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है वहां पे, तो यानी कि ज्यादा कचरा है वहां पे, समझ गए मेरी बात। तो अगर एक केले को फेंका है उसके लिए 50 बीओडी चाहिए, तो यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए। उसी प्रकार से एक सीओडी भी होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर जिसमें बायोलॉजिकल के अलावा कोई केमिकल भी है तो उसको भी प्यूरिफाई करने की कोशिश करती है। तो बीओडी कम होता है, बायोलॉजिकल को डिकम्पोज करना ठीक है, थोड़ा सा कम ऑक्सीजन चाहिए होगा कंपैरेटिवली सीओडी के। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो केमिकल वाला कोई प्रोडक्ट है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही चीजें इंक्लूडेड है, उसको तो डिकम्पोज करना और भी मुश्किल है और ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया गया, अगर किसी भी नदी का 3 mg/L से ज्यादा बीओडी है तो वो अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए। अगर ग्रेटर देन 30 mg/L है तो अनफिट है आउटसाइड बाथ के लिए, उसमें नहाना भी नहीं चाहिए, समझ गए मेरी बात। अगर 30 mg/L से ज्यादा बीओडी है तो अब चलो देखते हैं डाटा क्या बोलता है। डाटा बोलता है हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र का 26 है, यानी कि नहाने के लिए तो फिट है, पीने के लिए नहीं है। इसके अलावा सुवर्णरेखा का 99, गोदावरी का 45, कावेरी का 21 है, गोदावरी हो गया, साबरमती का 63 है। तो ये सारी नदियों का यहाँ पे बताया गया, तो आप नंबर से पता कर सकते हैं जो कि नहाने के लिए ठीक है कोई नहीं है। चलिए अब ये मैंने आपको बता दिया है बीओडी सीओडी क्या होता है। बीओडी हम पता करते हैं 5 दिनों के अंदर, सीओडी का मेजरमेंट कुछ घंटों में ही हो जाता है। मेथड है दोस्तों बीओडी पता करने के लिए 521 OB और सीओडी पता करने के लिए 410.4, ठीक है गाइज। चलिए और बीओडी का परमिसेबल लिमिट कितना है 30 ml/L, सीओडी का है दोस्तों 250 से 500 पार्ट्स पर मिलियन या फिर mg/L भी आप इसको कह सकते हैं, परमिसेबल लिमिट है। आगे बात करते हैं शालिनी को लेकर, ठीक है गाइस। शालिनी के बारे में बात करें तो शालिनी कुमारी दोस्तों बिहार से, और इन्होंने एक इनोवेशन किया है कुछ इस तरीके का दोस्तों, एक वो बनाया है जो कई बार ऐसा होता ना, मैंने भी बहुत वॉकर है, मैंने भी बहुत यूज किया था 2008-2009 में, एक साल तक जब चलने के लिए जरूरत पड़ती है एक्सीडेंट के बाद में। तो ये वॉकर बनाया है जो कि क्या है, मूवेबल वॉकर है, इसको आप जो है अलग अलग जगह पे काम में ले सकते हो। तो शालिनी कुमार बिहार से, फर्स्ट प्राइज इनको इनोवेशन के लिए मिला है, मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स जो कि इन्होंने बनाया है। एक इनोवेशन कॉम्पिटिशन हुआ था एशिया एंड इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम के अंदर, ओके, तो वहां पर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से मिशन ओलंपिक्स क्या है, ये आर्मी के द्वारा किया जाता है ताकि आर्मी के लोग हैं जो कि मेडल लेके आ सके, जैसे कि नीरज चोपड़ा, विजय कुमार है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, इन सब ने, ये सब ओलंपिक के लोग थे जिन्होंने 2001 में मिशन ओलंपिक के तहत प्रैक्टिस है जो कि करना स्टार्ट किया था। तो 4 ऐसी स्पोर्ट्स वुमेन को इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि हेल्प करेगी आर्मी के अंदर लोगों को आगे बढ़ने को लेकर। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है आपका टैक्स सरचार्ज और सेस। बहुत कंफ्यूजन होता होगा ना, ये टैक्स लगाते हैं फिर सरचार्ज भी लगाते हैं फिर सेस भी लगाते हैं, इतने सारे टैक्सेस हैं जो कि जनता दे देके परेशान हो जाती है, क्या डिफरेंस होता है तीनों के अंदर, समझने की कोशिश करें। देखो टैक्स तो नॉर्मल टैक्स है, मैंने बोला यार टैक्स लगेगा, इसका मतलब क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैक्स लगेगा 5%, 12%, 18%, 28% जो भी है, ये किसी भी रीजन से सरकार ले सकती है, सरकार को सरकार चलानी है इसीलिए सरकार टैक्स लेती है। सरकार, अब तो जीएसटी आ चुका है तो सरकार टैक्स लेती है और फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर भी करती है ना, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली। तो ये तो हो गया आपका टैक्स। अब दूसरा होता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, इट इज ऑन टैक्स, आपका टैक्स बन गया 15 रुपए, उसके ऊपर और 2.5% लग जाएगा टैक्स के ऊपर टैक्स, वो सरचार्ज है, समझ गए मेरी बात। ये भी दोस्तों सरकार किसी भी कारण से ले सकती है, सरकार के ऊपर है ये, सरकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर स्टेट के साथ में नहीं करती है, समझ गए मेरी बात। कई बार क्या होता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए एक और टैक्स लगाया जाता है जिसको बोलते हैं सेस, CESS, जैसे कि आपने सुना होगा ना, एक गाय के लिए सेस लगाया गया था, एजुकेशन के लिए लगाया गया था, कभी कोविड के लिए, कभी किसी चीज के लिए, ओके, ऐसे बहुत बार सेस लगते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका ये वाला टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों को मिला के इसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सेस। आपका मान लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट था कोई, उस पर 5% का, उस पर 28% का टैक्स लगा, 128 हो गया,
ठीक है, फिर उसके ऊपर 28 रुपए का टैक्स था ना, 28 पे मान लीजिए 2.5% का सरचार्ज था, मान लीजिए 10% का सरचार्ज अज्यूम कर लो, तो 2.8 और हो गया, ये हो गया आपका कितना 30.8। ओके, अब इसके ऊपर अगर वापस से मान लीजिए किसी ने 2% लगा दिया तो ये क्या हो गया, सेस हो गया, टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम लोग सेस कहेंगे, समझ गए, पहले टैक्स लगता है फिर सरचार्ज फिर नीचे लगता है सेस। सेस जो है वो किसी पर्पस के लिए लगाया जाता है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है और इसके अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयरिंग नहीं होती है, समझ गए, तीनों के बीच में डिफरेंस ध्यान रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जो किसी को बेनिफिट दे, पर्सन को जिसको कोई एडवांटेज मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, उसको बेनिफिशियरी कहेंगे, है ना। सब्सिडाइज का मतलब कोई भी चीज किसी को कम करके देना, डिस्काउंट में देना, सब्सिडी देना। ओके, एंटाइटलमेंट का मतलब होता है किसी पर्सन के ऊपर किसी को हकदारी होती है ना, किसी का द एक्ट ऑफ गिविंग ए टाइटल टू समथिंग, किसी को टाइटल दे दिया आपने, जमीन का किसी को आपने नाम कर दिया, तो एंटाइटलमेंट उसके हाथ में हो गया, इसको कहते हैं। इसी तरीके से प्रोक्योरमेंट होता है किसी चीज को खरीदना, और रोबस्ट का मतलब है मजबूत। ऑलराइट, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, जैसे कि पहला सवाल है कैग के ऊपर है, ठीक है गाइस। पहला तो बोला गया स्टेटमेंट की पार्लियामेंट अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे तो पैसों का ध्यान कैग रखेगा पार्लियामेंट के बजाय, और पीएसी कमिटी के एग्जीक्यूशन के बारे में देखेगा, यह भी सही है, यहां पर जवाब दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो क्या कर सकती है, चेक कर सकती है अगर कैग की रिपोर्ट अगर किसी के खिलाफ दे रखी है तो। तीसरा स्टेटमेंट, सरकारी कंपनी के अंदर जो भी ऑडिट होती है, जो भी मुकदमे होते हैं, उसके अंदर कैग का रोल है जो कि हो सकता है रिपोर्ट देने में, ये बात में बिल्कुल ठीक है। देखो अब यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 आंसर हो जाएगा, 2 स्टेटमेंट गलत है। पहला तो पार्लियामेंट दोस्तों इमरजेंसी लगे नहीं लगे, ऐसे थोड़ा ना पार्लियामेंट का काम जो है वो क्या करने लग जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं, तो आपका ये गलत हो गया और साथ में डी गलत हो गया। अब सिर्फ आपको थर्ड पता करना है कि वो सही है कि नहीं है, और थर्ड तो ऑब्वियसली सही है क्योंकि बी और सी में से निकालना है, तो इन्फॉर्मेशन जो कैग से मिलती है उसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम में ले सकती है, तो निकल गया आंसर। तो ये सवाल दोस्तों सिविल सर्विसेज में आया था जो कि आंसर इजिली निकल सकता है, ठीक है। री एंट्री ऑफ रॉकेट के बारे में बात करें तो कोई इंटरनेशनल इसके ऊपर बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, सही बात है, कन्वेंशन 1972 है जिससे कंपनसेशन देते हैं, और हमारा रिसेट 2 जो है वो री एंटर एटमोसफेयर में हुआ था। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जीएम क्रॉप को लेकर, जीएम क्रॉप के बारे में बात करें तो है कि ये ड्रॉट को सह सकते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करने का कोई लॉजिक नहीं है, इनकी लाइफ बढ़ सकते हैं, तो 1, 2 और 4 आपका सही आंसर होना चाहिए, सी आपका सही आंसर है। इसी प्रकार से कोरल रीफ को लेकर है, ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं, 1/3 जो है ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया फिलीपींस में है, है ना, और कोरल रीफ का नंबर काफी ज्यादा है, आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए हमारे यहां पे कोरल कहां पे पाए जाएंगे, 1, 2, 3 सुंदरबन में कोरल देखने को मिलते नहीं मिलते, नहीं मिलते, कल ही बताया था ना लोकेशंस, तो 1, 2, 3 यानी कि ये आपका सही जवाब है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, होपफुली आपको पसंद आया होगा। क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है, मेरा करंट अफेयर का बैच भी चल रहा है सभी एग्जाम के लिए, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।